खबरों में बात करते हैं रामपुर में टांडा तहसील के धड़ियाल चौकी क्षेत्र की, जहां वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट। उप जिला अधिकारी संगम लाल यादव ने पुलिस बल के साथ कोलुओं पर प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि 50 से अधिक चल रहे पत्ता बाला वे धड़ियाल के नजदीक ही कोलू बंद करवाए गए। कोलू स्वामियों को चेतावनी भी दी गई, जिसने भी कोलू चलाया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप जिला अधिकारी ने कोलू स्वामियों के किराए पर जमीन देने को लेकर गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक वे सुरेश सिंह गांव चंदूपुर के खिलाफ लेखपाल को FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। चौकी क्षेत्र में मामला हुआ है जहां कोलुओं पे छापामार कार्रवाई की गई। क्या है ये, मुझे सूचना मिली थी कि यहां पे 20-25 कोलू जो जमीन मैदान खाली पड़े हुए हैं, इसमें ये लोग जो है अनर्गल रूप से चला रहे थे और इसमें रबड़ या कुछ ऐसी चीजें जला रहे थे, जिससे जो है आसमान में धुआं जा रहा था और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है, जैसे जहां तक पराली जलाने के संबंध में आदेश हुआ है, और ये पराली से भी ज्यादा खतरनाक ये लोग केमिकल या ये चीजें जला रहे हैं, जिससे पूरा आसमान, इसलिए जो है इसको माननीय न्यायालय के आदेश को देखते हुए जो है हमने इसमें कार्रवाई की है और इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जहाँ यहाँ देखने मिला है कि काफी संख्या में कोलू जो है यहाँ चल रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव जो है आम जन जीवन पर पड़ रहा है? कोलू जहाँ तक मेरा अपना विचार है या मानना है कि ये लोग जो है गन्ना विभाग से न तो इन्होंने अनुमति ली है, न तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनुमति लेके चला रहे हैं, इससे जो है आम जीवन प्रभावित हो रहा है। और उसी के क्रम में देखते हुए लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, शिकायतों के आधार पर आज पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इनको बंद कराया गया है। कितने कोलू पर कार्रवाई हुई है, क्या क्या कार्रवाई की? लगभग 25 कोलू हैं जो इसमें चल रहे थे, उनको बंद कराया गया है। इनकी जांच करा करके जो जमीन के मालिक जिन्होंने इसको कोलू चलाने के लिए जमीन किराए पे या रेंट पे दे रखा है, उनके खिलाफ जांच करा के कार्रवाई की।